मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। देखिए हमने प्रेम मार्जिन में आपको पूरा पढ़ाया था, जिसमें हमने अभी प्रसंग और संदर्भ जो भी चीज़ें हमने अभी कुछ कंप्लीट करवाया नहीं है। लेसन पूरा कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद आपको सारा इसका कंप्लीट करवाएंगे। ओके, यमुना छवि आगे हम पढ़ते हैं, बनेंगे यमुना छवि। हमने आपको बताया था इसके बाद हमें यमुना छवि पढ़ना है, जो कि मैं कंप्लीट करने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि अगर दूसरे दिन पढ़ाएंगे तो यमुना छवि पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए यमुना छवि में क्या है। यमुना जी के मनोहारिक चित्रण का वर्णन किया गया है, इसमें पक्षियों के बारे में भी बताया गया है। यमुना जी में जो पक्षी आती हैं, जल विहार करती हैं, उसके बारे में बताया गया है। और एक चंद्रावली नायिका हैं, उन्होंने इस मैंने क्या बोलते हैं यमुना जी के मनोहारी चित्रण के बारे में बताया है और कहा है कि इसमें एक गोपी है जिसका नाम ललिता है, उन्होंने यमुना जी की छवि को किस तरह वर्णन किया है, इसे देखते हैं। तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए और झुके कूल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए। तरण तनुजा, तरण में सोता है सूर्य और तनुजा में सोता है पुत्री, तट में सोता है किनारा यानी तट, और तमाल यानी तमाल का एक प्रकार सा पेड़, तरवर पेड़ होता है, और बहु में सोता है बहुत सारे, और छाए में झुके हुए या छाए हुए, यानी तरण तनुजा सूर्य पुत्री अर्थात यमुना जी, सूर्यपुत्री अर्थात यमुना जी तट तमाल यानी यमुना जी के तट के पास तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए। यमुना जी के तट पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाए हुए हैं और झुके कूल सो पर जल प्रसन्न हित मन हुए। झुके कूल, कूल इस होता है किनारा झुके, और इस तरह वह झुके हुए हैं और वह इस तरह झुके हुए हैं मानो जल प्रसन्न, जल को छूने के लोभ में, जल को छूने के लोभ में झुके हुए हैं। इस तरह झुके हैं जैसे जैसे वो जल को स्पर्श करना चाहते हैं, वो ऐसे झुके हैं जैसे मानो जल को स्पर्श करने की लाभ में वो वहाँ पे झुके हुए हैं। किधो मुकुर में लखत, किधो किधो जहाँ पे आ जाए वहाँ छप्पर संदर्भ होता है, और क्या बोलते हैं अथवा संदेह अलंकार, सॉरी हाँ संदेह अलंकार होता है, जहाँ पे किधो आ जाए वहाँ पे संदेह अलंकार होता है, और ये छप्पर छंद कहलाता है। और इस पूरी कविता में छप्पर छंद का ही वर्णन किया गया है, और यमुना छवि में तो पूरा का पूरा संदेह अलंकार ही है। मुकुर मिस होता है दर्पण, मैनिस में, और लखत मिस देखना, उजक मिस होता है उचक, उजक मिस होता है उचक या उछल कूद करना, और सब निज निज में होता है अपनी शोभा में होता है, दर्पण भी कह सकते हैं या तस्वीर कह सकते हैं शोभा, यानी किधो मुकुर मय लखत उझक सब निज शोभा। कभी कहता है कि गोपी, जो गोपिका है ललिता जी, वो कहती हैं यमुना जी के बारे में कि अथवा मुकुर मय लखत दर्पण, यानी यमुना जी को बताया गया है दर्पण। यहाँ पे यह पूछा जा सकता है कि दर्पण किसे कहा गया है, तो किसे, यमुना जी को, तो बताया गया है यानी यमुना के जल में अपना चेहरा देखकर अपने आप को सुशोभित करते हैं। तो किधो मुकुर मैं लखत उजक सब निज निज शोभा, और सभी लोग अपने अपने दर्पण को, अपने अपने चेहरे को, अपने अपने चेहरे को यमुना रूपी दर्पण में देखते हैं और सुशोभित होते हैं और सुशोभित करते हैं। किसको, यमुना जी को सुशोभित करते हैं। किधो मुकुर मय लखत उजक सब निज शोभा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सभी लोग अपने अपने चेहरे को देखकर प्रसन्न होते हैं, अपने अपने चेहरे को देखकर प्रसन्न होते हैं। और कय प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, इन कय से होता है अथवा, इसका मतलब होता है अथवा, कय प्रणवत प्रणाम करना, अथवा प्रणाम करते हैं जल जान परम पावन फल लोभा, परम पवित्र पावन, सॉरी परम पावन फल लोभा, यानी परम पवित्र फल के लोभ में, लालच में, परम पवित्र फल के लोभ में यानी लालच में जल को प्रणाम कर रहे हैं, जल को प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप उत्पेक्षा अलंकार, मन मानव
आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत और कह हर सेवा इतने रहे निरख नयन मुख मन सुख। तभी कहता है कि मानो आतप वारन जो आतप सदा ताग वायु धन्यवाद हटाना तीर सदा घाट को सिमट सबे छाए, मानो इस तरह छाए हुए हैं मानो यमुना जी के घाट, यमुना जी के शीतलता का क्या कह सकते हैं, यमुना जी के शीतलता का ताप को, शीतलता के ताप को हटाने के लिए वहाँ पे छाए, मानो यमुना जी के शीतलता को हटाने के लिए, सॉरी यमुना जी की शीतलता के ताप को हटाने के लिए वो लोग छाए हुए हैं। और कई हर सेवा हित नये रहे निरख नयन मन सुख लाल, या ऐसा लगता है वो भगवान की सेवा करके, भगवान की सेवा करके नयन मन सुख लाल यानी नेत्र से मन से सुख प्राप्त करते हैं, भगवान की सेवा करके नयन से यानी नेत्रों से और मन से सुख प्राप्त करते हैं। यानी आपको पता है कि भगवान विष्णु जल में ही निवास करते हैं, भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए बताया गया है कि हर सेवा हित नहीं नहीं रहे निरख नयन मन सुख लाल, भगवान की सेवा करके निरख नयन मन सुख लाल अपने नेत्रों और मन को सुख प्राप्त करते हैं। तीन पय जय चिन्ह छंद ज्योत राकान स्यावत, अगली पंक्ति अगला पद्यांश देखते हैं कि तीन पय जय चिन्ह छंद ज्योत राका निस्यावत। कभी कहता है कि चिन्ह पय जय चिन्ह यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो ऊपर से नीचे की रात आता है, यानी ज्योति प्रकाश राका निस, यानी राका निस होता है चंद्रमा, निस होता है रात यानी चंद्रमा, और चंद्रमा रात होता है पूर्णिमा के दिन, तो इसको हम कह सकते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा की किरणें आकाश से यमुना जी में पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें आकाश से यमुना जी में जब पड़ती हैं तो जल में मिल के नव अवनी लौतार दवा, तो यमुना जी में मिलके वो एक तंबू तान देती है, तो यमुना जी में मिलके वो एक तंबू तान देती है, मानो हरि दर्शन सॉरी हो तो मुकुर में सब तब उज्जल उज्जल की होगा, और एक कांति एक आभा प्रकाशित होगी, और मुकुरमय होकर एक आभा प्रकाशित होती है, और मुकुरमय होकर एक आभा प्रकाशित होती है, और जिसको देखकर तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सुशोभा, इतना सुंदर शोभा देखकर, इतनी सुंदर शोभा देखकर मन शरीर और नेत्र को सुख प्राप्त होता है, मन शरीर और नेत्र को सुख प्राप्त होता है, और सो को कभी जो छब कही सके तजवन छन जमुना नील की, और मिल आवन और अंबर रात जब एक सी नव तीर की। कभी कहता है उस वक्त यमुना जी की जो छवि होती है, यानी उस वक्त यमुना छवि का वर्णन कोई कभी कर ही नहीं सकता, उस वक्त यमुना नदी की यमुना छवि की कोई कभी वर्णन नहीं कर सकता है, मिल आवन और अंबर रहत जब एक सी नव तीर की, यानी यमुना जी की जो छवि है उस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक या आकाश तक, जमीन से लेकर आकाश तक एक समान हो जाती है, एक समान हो जाती है, जिससे उस वक्त कोई भी कभी उसका वर्णन नहीं कर सकता। मिल आवन यानी वहां से आकर यमुना जी मिल जाती हैं, और अंबर रहत छवि, अंबर की यानी आकाश की जो छवि है प्रतिबिंब है एक सी नव तीर की, एक समान हो जाती है जमीन की और आसमान की जो दूरी है जो भी जो वो एक समान हो जाती है। तो उस वक्त सो कभी को जो छवि कह सके तो जमुना नील की, यानी उस वक्त कोई कभी जमुना नदी का या जमुना छवि का वर्णन नहीं कर सकता। अगला पद्यांश देखते हैं, परत चंद्र प्रतिबिंब कहो जल मध्य चमकायो, परत चंद्र प्रतिबिंब कहो जल मध्य चमकायो, और लोल लहर लह नचत कभू सोय मन भायो। कभी कहता परत चंद्र, पड़ती है चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी में, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है तहु जल मध्य चमकायो, यमुना जी में जब पड़ता है, यमुना जी में जब पड़ता है नी चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है यमुना जी में पड़ता है, तो लोल लहर लह नत, तो यमुना जी की चंचल लहरें नाचने लगती है कबो सोई मन भायो,
जो मन को गदगद करते हैं, या कह सकते हैं कि यमुना जी की जब चंचल किरणें, सॉरी आकाश की चंचल किरणें जब यमुना जी में पड़ती हैं, तो यमुना जी में किरणें पड़ने के बाद यमुना जी हिलोरी मान लेती है, नाचने लगती हैं, सोई मन भायो, यानी उनका हृदय जो होता है, हृदय होता है वो गदगद हो जाता है। कवि का हृदय गदगद, या देख कर कवि का हृदय गदगद हो जाता है। मन हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत उठायो, मानो हरि दर्शन भगवान की सेवा के लिए हेतु के लिए चंद्रमा जल बसत उठायो, स्वयं चंद्रमा यमुना जी में उतर आया हो, मानो भगवान की सेवा के लिए स्वयं चंद्रमा जल में उतर आया हो, और कई तरंग कर मुकुर लिए शोभित चल जाए। और ऐसा लगता है कि कई तरंग कर मुकुर लिए शोभित छप जाए, यानी जो कवि वो कहता है कि कई तरंग यानी जो किरणें हैं कर मुकुर लिए वो शोभित करे किसको, छप छप उस प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब चंद्रमा का यमुना जी पड़ रहा है, ऐसा लगता है चारों तरफ वह प्रतिबिंब हुआ है, जिससे वह भगवान के मुकुट को सुशोभित कर रही है, या कह सकते हैं भगवान को सुशोभित कर रही है, यानी चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की किरणें मुकुर लिए शोभित छछायो, पूरे स्थान को सुशोभित कर देती है। और कई रास रमन में हर मुकुट आभा जल दिख रहा था, ऐसा लगता है कि रास रमन, रास लीला चल रही है, ऐसा लगता है कि रास लीला चल रही है, और भगवान का जो मुकुट है, भगवान का जो मुकुट है वो जल में से उसका प्रकाश दिखाई दे रहा, आभा प्रकाश दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है कि रास लीला चल रही है और भगवान के मुकुट का जो प्रकाश है वो दिखाई दे रहा है। और कई जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखा, कई जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखा, ऐसा लगता है कि भगवान की मूर्ति उसमें बसी हुई है, या तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, या तो उसका प्रतिबिंब किसका, भगवान का प्रतिबिंब या छाया दिखाई पड़ रही है, या तो भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। नेक्स्ट, कबहु होत सत चंद कबहु प्रकट दुर्भाजत, और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मन सस भरे अनुराग जमन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिलोर कत कलोले, कै बाल उड़ी विड़ में उड़ी सोहत इत उद्धावती, और कै अवगावत डोले तो कोई ब्रज रमणी जल आवती। कभी कहता है कि कबहु होत सत चंद कबहु प्रकट दूर भाजत, यानी कभी होत सत सैकड़ों चंद्रमा प्रकट होते हैं, और कभी कभी एक भी चंद्रमा उसमें दिखाई नहीं देते, गायब हो जाते हैं, भाजत गायब हो जाते हैं, प्रकट आ जाते हैं, यानी कभी सैकड़ों चंद्रमा उसमें प्रकट हो जाते हैं, और कभी कभी एक भी चंद्रमा नहीं रहता है, सब गायब हो जाते हैं। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, और जब पवन चलता है यानी हवाएं जब चलती हैं, गमन चलती हैं, तो बस बिंब रूप, तो उसका जो प्रतिबिंब है वही रूप जल में बहुत अच्छा लगता है, वही रूप जल में बहुत अच्छा लगता है, या कह सकते हैं जल को सजा देता है, सुशोभित कर देता है, जल को सुशोभित कर देता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहुत साजा, जब हवाएं चलती हैं तो चंद्रमा का जो प्रकाश है, उसका जो प्रतिबिंब है, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है जब हवाएं चलती हैं तो यमुना जी को सुशोभित कर देती है, जब हवाएं चलती हैं तो यमुना जी को चंद्रमा का प्रतिबिंब सुशोभित कर देता है। मानो सस भरे अनुराग जमुन जल लोटत डोले, तब ऐसा लगता है जैसे मानो सस भरे अनुराग कि चंद्रमा प्रेम भर कर आया है, चंद्रमा प्रेम भर के आया है, और यमुना जल लोटत डोले, और यमुना जी चंद्रमा प्रेम भर के आया है यमुना जी में, और यमुना जी उस प्रेम के लिए लोटत फिर रही है, लोटती हुई फिर रही है। और कई तरंग की डोर हिलोरन करत कलो, अथवा ऐसा लग रहा है, कभी कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि यमुना जी कैसे लग रही है, संधि अलंकार बना हुआ है, कई अथवा तरंग की डोर, जो चंचल किरणों की जो डोर है, हिंडोरन यानी हिंडोर की डोर के पर चढ़कर, हिंडोर की डोर पे चढ़कर करत कलोले, अथवा ऐसा लग रहा है कि हिंडोरों के डोर पे चढ़कर क्रीड़ा कर रही है, कलोले कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, किलकारियां मार रही है, किलकारियां मार के क्रीड़ा कर रही है, या क्रीड़ा कर रही है, दोनों से कुछ भी कर सकते हैं।
अथवा ऐसा लग रहा है कि हिंडोरों की डोर पे चढ़कर, हिंडोरों की डोर पर चढ़कर यमुना जी किलोले मार रही है, किलोले कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, ठीक, खेल रही है। कह अथवा बाल गुड़ी नभ में उड़ी, बाल गुड़ी नभ में उड़ी और सोहत इत उत धावती, अथवा ऐसा लग रहा है कि बाल गुड़ी पतंग नभ आसमान में उड़ रहा है, सोहत इत धावती, इधर उधर फिर रहा है, आजाद इधर उधर फिर रहा है, घूम रहा है। अथवा ऐसा लग रहा है कि एक छोटे बच्चे के हाथ से छूटी हुई पतंग, अथवा ऐसे लग रहा है कि एक छोटे बच्चे के हाथ से छूटी हुई पतंग नभ में आसमान में आजाद, आजाद पक्षी की तरह, आजाद पक्षी की तरह इधर उधर फिरती है, इधर उधर दौड़ती है या फिरती धावती है, दौड़ना, दौड़ती है या फिरती है। कई अवगावत डोलत को बजरमिनी जल आवती, अथवा ऐसा लगता है अवगावत आवता है कोई, सॉरी, कई अवगावत डोलत को बजरमिनी जल आवती, अथवा ऐसा लगता है जल आवती, जल में आकर बजरमिनी कोई ब्रज की गोपिया, कोई ब्रज की गोपिया अवगावत डोलत उसमें स्नान कर रही, अथवा ऐसा लग रहा है कोई ब्रज की गोपिया आकर यमुना जी में स्नान कर रही है। मनुजुग पच प्रत्यक्ष, सॉरी, मनुजुग पच प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल और कई दारा तारागर ठगन लोकत प्रकटत अभिकल और कई कारंदी तीर नरंग जीतो उपजावत त्रोही धर रूप मिलन तासो धावत। कई बहु बहुत रजत चकई जलत कई फुवार जल उछलत कई निष्पत मल्ल अनेक विध उठ बैठत कसरत कर। कभी कहता अथवा, कभी कहता है अथवा, पर ये दूसरे लेवल का अगला पैराग्राफ है, तो स्टैंजा मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष यानी पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, एक होता है किश पक्ष, उसका मतलब पक्ष होता है, तो वही कहा मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष, कभी शुक्ल पक्ष होता है तो कभी किश पक्ष होता है, कभी शुक्ल पक्ष होता है तो कभी किश पक्ष होता है, होत मिट जात जमुन जल, यानी कहने का मतलब यह है कि कभी चंद्रमा आता है और कभी चला जाता है, यानी कभी ये कहना चाहता है जब पूर्णिमा की रात होती है यानी चंद्रमा की किरणें यमुना जी में पड़ती है तो लगता है जैसे शुक्ल पक्ष आ गया है, तो लगता है ऐसे कि शुक्ल पक्ष आ गया है, और जब चंद्रमा गायब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि किस पक्ष आ गया है, तो ऐसा लगता है कि किस पक्ष आ गया है। कह अथवा तारागण ठगन लुकत प्रकट अभिकल, अथवा ऐसा लग रहा है कि पूरे तारों को, सितारों को ठगने के लिए चंद्रमा इधर उधर लुकता फिरता है, लुका छिपी कर रहा है, अथवा ऐसा लगता है कि तारा ताराओं को या सितारों को ठगने के लिए चंद्रमा लुका छिपी खेल खेल रहा है। कई कालंदी नीर तरंग जितो उपजावत, कई कालंदी अथवा कालंदी नीर यानी यमुना जी का जो नदी है तरंग जितो उपजावत, जितनी बार आता है उतनी बार वो जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे उसमें भंवर बन गया हो, भंवर बन गया हो, यानी जब क्या बोलते हैं नदी में ज्यादा पानी आ जाता है तो घूमता है तो क्या बोलते हैं भंवरी की तरह हो जाती है, भंवरी जो लोग जानते हैं वो सही है, नहीं जानते हैं तो जाकर नदी में देखें समझ में आ जाएगा। तितलों इधर रूप मिलत कई काली अथवा कालंदी नीर तरंग जो यमुना जी की नदियों का तरंग यानी लहरें हैं जितो उपजावत उतनी ही उठती हैं, उतनी ही उठती हैं और तितनों ही धर रूप मिलन हित तासो धावत और उतने ही रूप धर धर के, उतने ही रूप धर धर के चंद्रमा यमुना जी के पास मिलने आता है, यमुना जी से मिलने आता है। ऐसा लगता है कि जितनी बार यमुना नदी की जो तरंगे हैं उठती हैं, यमुना नदी के जो तरंगे हैं वो जितनी बार उठती हैं उतनी बार क्या करता है चंद्रमा कितनों ही धर रूप उतना रूप रख रख के मिलने आता है, किससे तासो धावत मिल सॉरी उतना रूप धर के यमुना जी से चंद्रमा मिलने आता है। कई बहुरा रजत चकई चलत कई फुहारा जल उछल और जब यमुना जी की लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता है कि रजत चकई चलत, यमुना जी का जो जल है वो चकई की तरह चलता है, चकई यानी गोल इस तरह एकदम चक्राकार, नदियों में क्या होता है ऐसे भंवरी होता है वर्ग,
होता है हवन, नदी में पानी ऐसे से घुमा करता है, तो वही होता है। तो वही कह रहे हैं कि अथवा ऐसे लगता है कि बहुत रजत चकई चलत कई कुहार जल से। जब गंगा जी के सॉरी यमुना जी के जो नदी जल है, यमुना जी का जो जल है वो तरंगे मारता है, वो चंद्रमा आता जाता है, तो ऐसा लगता है कि वह चक्राकार आकार का घूमता फिरता है, चक्राकार आकार का घूमता फिरता है, और कई निष्पत मल अनेक विदकुट बैठत कसरत कर। अथवा ऐसा लगता है निष्पत मल कसरत करने वाला व्यक्ति अथवा ऐसा लगता है कि कसरत करने वाला व्यक्ति अनेकों बार उठक बैठक करता है। आगे चलते हैं। कूजत कहु कल हंस कहूं मज्जत पारावत, और कहु कारंड उड़त कहूं जल कुट धावत, और चक्रवाक कहु बस बसत कहूं बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहु पियत कहूं भ्रमावली गावत, कहु तट पर नाचत मोर बहु रोर विद पक्षी करत, और जल पान ज्ञान कर सुख भरे तट शोभा से सब जे धर। चलिए ठीक है, आज इतना ही, कल आपको ये चीज़ खत्म करा देंगे और उसमें सारी चीज़ लिखा, ओके, मैं दिखाएगा जो लिखाना है हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। जगन्नाथ या रत्नाकर के जी के बारे में आपको पढ़ना है, पवन दूरी का, उसको आपको एक बार रीडिंग करना है, रीडिंग करे रहेंगे जिसको आपको हम पढ़ाने में आसान होंगे, ओके।